नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं और आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल का फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने फ़ोन के द्वारा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर टिक करना ना भूलें। और आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन, कब से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट क्या है। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है, आपको यहाँ पर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो के माध्यम से उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आज मैं आपको सीधा ही बताऊंगा दोस्तों कि आपको अप्लाई कैसे करना है। और लास्ट डेट आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ और यहाँ पर आप फॉर्म फीस देख सकते हैं दोस्तों। हेड कॉन्स्टेबल है दोस्तों, 12th पास होना अनिवार्य है दोस्तों। एज भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। फिजिकल के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको यहाँ पर टिक करना, पहले आपको रजिस्टर करना, न्यू रजिस्टर करना है दोस्तों। न्यू रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा दोस्तों, वहाँ पर टिक करोगे सीधा आप यहाँ पर आ जाओगे। तो यहाँ पर आपको टिक करना है दोस्तों, न्यू ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट जानकारी फिल करनी है। पोस्ट नेम देख सकते हैं दोस्तों, हेड कॉन्स्टेबल। आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो हेड कॉन्स्टेबल के लिए। और दोस्तों, अपना नाम डालना है, जो आपकी 10वीं मार्कशीट में नेम है दोस्तों वही नेम डालना है आपको। लिंक दोस्तों मेल हो या फीमेल यहाँ पर। और दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीयता भारतीय है, अपनी जो मातृभाषा आपको टाइप करनी है दोस्तों हिंदी, और फादर नेम डालना है दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पर आपको लिखना है कि आपकी माता अकेली है या आपके माता व पिता दोनों हैं। माता अकेली है तो यस करना है दोस्तों, अन्यथा नो करना है। मैं नो कर देता हूँ दोस्तों, माता व पिता दोनों हैं। फिर अपनी माता का नाम लिखना है दोस्तों। फिर अपना धर्म, हिंदू है, मुस्लिम है, कौन सा है, मैं हिंदू टाइप कर देता हूँ दोस्तों। कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी में आती हो, जनरल, एससी, एसटी, कौन कोई भी कैटेगरी हो दोस्तों, यहाँ पर आपको टाइप करनी है। मैं जनरल टाइप कर देता हूँ दोस्तों। अभी यदि आप एससी, एसटी कोई भी कैटेगरी टाइप करते हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। मैं जनरल टाइप कर देता हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ, क्या आप दिल्ली पुलिस के विभागीय हैं और क्या आप दिल्ली पुलिस में नौकरी लगे हुए हैं। ये पूछ रहा कि दोस्तों कि आप दिल्ली पुलिस की में नौकरी लगे हुए हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। मैं नो कर देता हूँ। क्या आप खिलाड़ी हो, यस या नो, नो कर देता हूँ दोस्तों। यदि आप कहीं पर ऑलरेडी काम कर रहे हो तो यस करना है दोस्तों, अन्यथा नो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब दोस्तों, मैं नो कर देता हूँ। यहाँ पर हैंडीकैप के लिए आ गया दोस्तों, आप हैंडीकैप हो, नो कर देता हूँ दोस्तों। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं अपनी डिटेल। और दोस्तों, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है। और दोस्तों, आपके पास दूसरी ईमेल आईडी नहीं है तो यहाँ पर आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर है तो दोस्तों फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। भरने के बाद दोस्तों, ये कैप्चर कोड है दोस्तों, यहाँ पर आपको कैप्चर कोड डालना है, फिर एक्सेप्ट पर करना है, फिर सबमिट पर टिक करना है। मैं अपनी कंप्लीट जानकारी फिल कर लेता हूँ दोस्तों, फिर आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ पर मैंने अपनी कंप्लीट जानकारी फिल कर दी है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्लीट जानकारी फिल करने के बाद दोस्तों सबमिट कर देता हूँ। आपको इसी तरीके से दोस्तों फिल करनी है। ये कैप्चर कोड यहाँ पर मैंने डाल दिया दोस्तों, एक्सेप्ट भी कर लिया है, फिर आपको यहाँ पर सबमिट पर टिक करना है। सारी जानकारी देख लेना दोस्तों, फिर सबमिट पर टिक करना है। सबमिट पर टिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा दोस्तों, एक पासवर्ड मिलेगा, और यहाँ पर मेरे को मैसेज भी आ चुका है दोस्तों। और दोस्तों, ये इसको कॉपी कर लेना, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को भी लिख लेना, एप्लीकेशन नंबर को भी लिख लेना दोस्तों, और पासवर्ड को लिखने के बाद दोस्तों वो याद कर लेना, यहाँ पर है दोनों। डालने के बाद दोस्तों, यहाँ पर लॉगिन पर आपको टिक करना है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों लॉगिन कर लेता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों
आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है और अपना पासवर्ड डालना है और ये कैप्चर कोड यहाँ पर डालना है, फिर लॉगिन पर टिक करना है। मैं डाल देता हूँ दोस्तों, ये मैंने कॉपी किया था, और पासवर्ड मैं देख लेता हूँ क्या था। मैंने डाल दिया दोस्तों अपना पासवर्ड और ये कैप्चर कोड और डाल देता हूँ मैं, क्या है ये 2 3 5 F G U। डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लॉगिन पर टिक करना है। टिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी कंप्लीट जानकारी देखनी है, जो आपने पहले फिल करी थी दोस्तों वही यहाँ पर आपको दिखाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको 5 स्टेप कंप्लीट करने हैं अपने, 5 स्टेप। अपनी डिटेल आप यहाँ पर दे सकते हैं, जो आपको आपने पहले फिल की थी दोस्तों वही यहाँ पर दिखाएगा। देखने के बाद दोस्तों जो रहती है वो आपको फिल करनी है। दोस्तों यहाँ पर यह पूछ रखा है कि आपके माता पिता कोई भी दिल्ली पुलिस में लगे हुए हैं या नहीं। मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ दोस्तों, कोई नहीं लगा हुआ। और अपना आधार कार्ड डालना है दोस्तों, आधार कार्ड नंबर, और दोस्तों आपके शरीर पर कोई भी चिन्ह हो वो डालना दोस्तों, पहचान चिन्ह। मैं यहाँ पर नो मार्क टिक कर देता हूँ दोस्तों, कोई भी चिन्ह नहीं है, नो मार्क। क्या आप पहाड़ी क्षेत्र से हो? तो दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र से हो तो यस करना है, नहीं था नो करना है, नो कर देता हूँ दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर यह पूछ रहा है कि आपने कोई भी क्राइम किया हो, किसी तरीके से आपको बंदी बनाया हो, कुछ भी है दोस्तों आपके ऊपर FIR की हुई तो आप या यस कर सकते हैं, नहीं था नो कर सकते हैं। पुलिस के द्वारा आपको गिरफ्तार किया हुआ है, कोई FIR दर्ज हुई है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो। मैं नो कर देता हूँ दोस्तों। और दोस्तों अपना एड्रेस फिल करना है आपको, यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है, आपके पास फ्लैट है, डोर है, ब्लॉक नंबर है, कुछ भी आप यहाँ पर डालना है। और दोस्तों अपने गांव का नाम डालना है, कोई भी शहर हो, विलेज हो, कुछ भी हो दोस्तों आपको यहाँ पर डालना है। सड़क व गली क्षेत्र स्थल डाकखाना कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं दोस्तों, अपनी अपने एड्रेस के हिसाब से जो आप अपने एड्रेस में डालते हो। दोस्तों अपने स्टेट का नाम डालना है, मैं यहाँ पर हरियाणा डाल देता हूँ दोस्तों। डालने के बाद दोस्तों कौन से शहर से हो वहाँ पर ये डालना है आपको। डालने के बाद दोस्तों अपना पिन कोड डालना है आपको। और दोस्तों जो आपने यहाँ पर डिटेल दी हुई है, कंप्लीट डिटेल दोस्तों, वही आप यहाँ पर सेम वही डालना चाहते हो तो सेम ही है दोस्तों, आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद वही सेम यहाँ पर आ जाएगी, आपको डाल के भी दिखाऊंगा दोस्तों। या ये कंप्लीट जानकारी मैं यहाँ पर फिल कर लेता हूँ पहले। यहाँ पर मैंने अपनी कंप्लीट जानकारी फिल कर दी है दोस्तों, आधार नंबर, नो मार्क दोस्तों, सारी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। क्या आप पहाड़ी क्षेत्र से, नो कर दिया दोस्तों कंप्लीट। और दोस्तों एड्रेस भी फिल कर दिया मैंने यहाँ पर। इस तरीके से आपको फिल करना है, राज्य शहर का नाम और पिन कोड भी डाल दिया दोस्तों मैंने। मेरा वही सेम यहाँ पर था दोस्तों, वही सेम यहाँ पर एड्रेस था, मैंने यहाँ पर टिक कर दिया, सेम वही एड्रेस यहाँ पर आ गया दोस्तों, आप यहाँ पर दे सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको एजुकेशन डिटेल फिल करनी है दोस्तों, ये भर्ती दोस्तों केवल 12th पास के लिए, 10वीं और 12वीं के लिए। और दोस्तों यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन भी टिक कर सकते हैं, ग्रेजुएशन की डिटेल भी फिल कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन है दोस्तों, वो भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं वो डिटेल। मैं यहाँ पर आपको 10वीं और 12वीं की डिटेल फिल करके दिखाऊंगा दोस्तों, आपको कैसे फिल करनी है। यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम डालना है दोस्तों, डाल देता हूँ मैं हरियाणा बोर्ड HBSC। हरियाणा बोर्ड डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपने सब्जेक्ट डालने हैं, फिर अपना रोल नंबर डालना है, परीक्षा पास करने का वर्ष दोस्तों जो आपको DMC के नीचे मिल जाएगा। और दोस्तों ये आप छोड़ भी सकते हैं, है तो दोस्तों डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जिसके ऊपर दोस्तों ये बिंदु है, ये बिंदु रहा छोटा छोटा दोस्तों लाल अक्षरों में, वो कंपलसरी है दोस्तों, जिसके ऊपर बिंदु नहीं है वो छोड़ भी सकते हैं आप। इसके ऊपर बिंदु है दोस्तों, ये आपको डालना पड़ेगा, आपको DMC के नीचे मिल जाएगा ये, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, जिसको मिलेगा वो डाल देना दोस्तों।
मैं यहाँ पर अपने सब्जेक्ट डाल देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैंने अपने सब्जेक्ट डाल दिए दोस्तों, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस व साइंस। डालने के बाद दोस्तों इस तरीके से आपको डालना, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सभी डाल दिए दोस्तों। और अपना रोल नंबर डालना है यहाँ पर, आपको ऊपर दिखाई देगा अपना रोल नंबर, मैं यहाँ पर आपको डाल के दिखा देता हूँ। रोल नंबर डालने के बाद दोस्तों कब आपने पास की थी, और यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ तारीख भी। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर पूछ रखा था परीक्षा पास करने का वर्ष, मैंने डाल दिया दोस्तों। डालने के बाद वही सेम यहाँ पर 12th में डालनी है दोस्तों, डाल देता हूँ मैं यहाँ पर HBSC। यहाँ पर मैंने कंप्लीट जानकारी फिल कर दी है दोस्तों, कौन से बोर्ड के द्वारा कौन से सब्जेक्ट थे, और दोस्तों क्या रोल नंबर था, और कौन सी ईयर्स में की। डालने के बाद दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन की है तो दोस्तों यहाँ पर आप डाल सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो इसी तरीके से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। कोई भी समस्या है दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। और ये पूछ रखा है दोस्तों आप किस भाषा में एग्ज़ाम दोगे, किस भाषा में आप टेक टाइप टेस्ट दोगे दोस्तों, जो भी आपका टाइप टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, उस कौन सी लैंग्वेज में देना चाहोगे, तो यहाँ पर आप चॉइस कर सकते हैं। हम यहाँ पर हिंदी टाइप कर देता हूँ दोस्तों, आप इंग्लिश में देना चाहते हो तो इंग्लिश टाइप कर सकते हैं, अन्यथा हिंदी टाइप कर सकते हैं। करने के बाद दोस्तों अपनी कंप्लीट जानकारी दोबारा से देख लेना दोस्तों, देखने के बाद यहाँ पर एक्सेप्ट करना है दोस्तों, फिर सेव पर टिक करना है। इस तरीके से आपको मैं दिखा देता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों पहला कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरा यहाँ पर दोस्तों अब हम फ़ोटो अपलोड करेंगे, फ़ोटो साइन। और दोस्तों यहाँ पर अब कंप्लीट डिटेल फिर करनी है कि आपको कैसे फ़ोटो अपलोड करना है, किस तरीके का फ़ोटो होना चाहिए, यहाँ पर आप डिटेल देखने के बाद दोस्तों फिर अपलोड करना। और दोस्तों किस KB के अनुसार फ़ोटो होना चाहिए, सारी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों यहां से आप अपने फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं व आकार दे सकते हैं। ज़्यादा KB का होने के बाद दोस्तों आप यहां से रिसाइज भी कर सकते हैं। एक ऐप आपको बताऊंगा दोस्तों, उससे आप आसानी से रिसाइज कर पाओगे, ये ऐप है दोस्तों, ये ऐप है दोस्तों पिक्स आर्ट। पिक्स आर्ट के द्वारा KB के अनुसार वह दोस्तों आकार कुछ भी दे सकते हैं दोस्तों, आकार आप जो फॉर्म में दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर आपका फ़ोटो 100 से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए, उसी का आकार देंगे दोस्तों। अब हम यहाँ पर आपको फ़ोटो देखना है दोस्तों कौन सा रिसाइज करना है, यहाँ पर टिक करने के बाद दोस्तों टूल्स पे जाना है, इसको पहले रोटेट कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर टिक करना है, थोड़ा लेफ़्ट और भी कर लेते हैं दोस्तों। करने के बाद यहाँ पर टिक करना है, टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर टूल्स पे वापस जाना है, जाने के बाद दोस्तों क्रॉप करना है, थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं दोस्तों इसे, करने के बाद दोस्तों यहाँ पर टिक करना है, टिक करने के बाद दोस्तों वापस टूल्स पे जाना है दोस्तों, रिसाइज करेंगे इसको, रिसाइज पे टिक करना है, कम से कम 1200 का तो होना चाहिए दोस्तों, देखते हैं 1200 का हो जाएगा दोस्तों, 100 व 200 KB के बीच में। आप इसको गैलरी में सेव करेंगे, वहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, 1200 का कर लेते हैं इसको, यहाँ पर टिक करना है, फिर रिसाइज में टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर टिक करना है, करने के बाद दोस्तों अपना नाम डालना है, डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर और गैलरी में सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद दोस्तों डन कर लेते हैं। और दोस्तों ये सेव हो चुका है गैलरी में, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों ये 100 व 200 KB के बीच में हो चुका है। नहीं हुआ तो दोस्तों आप को दोबारा रिसाइज करना पड़ेगा, और KB में कम कर लेना दोस्तों, अभी 1200 किया हुआ तो 1100,
1900-800 कर लेना दोस्तों। इसको अपलोड करके देखते हैं ये होता है या नहीं। नीचे आना दोस्तों और यहाँ पर आपको टिक करना है। ये मैंने यहाँ पर ट्राई करके देखा था दोस्तों, हो गया था। यहाँ पर आपको टिक करना है, वो करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर टिक करना है, एक मिनट। टिक करने के बाद फाइल पे और देख लेते हैं दोस्तों। ये 172 KB का हुआ, 172 KB का, 100 बाय 200 KB के बीच में मांगा था दोस्तों। ये कंप्लीट हो चुका हमारा। इसको अपलोड करके देखते हैं। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों अपलोड पर टिक करना है, देखते होगा या नहीं। यहाँ पर अपलोड हो चुका दोस्तों। यहाँ पर आपको फ़ोटो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा दोस्तों, फिर आपको यहाँ पर टिक करना है, फिर अपलोड करके देखना है, फिर अपनी KB को भी देखना है दोस्तों क्यों नहीं हो रहा अपलोड। उसी तरीके से आसानी से आपका अपलोड हो जाएगा दोस्तों। आप यहाँ पर टिक करोगे तो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। उसी तरीके से अब मैं सिग्नेचर को अपलोड करता हूँ दोस्तों। सिग्नेचर भी आपको उसी तरीके से क्रॉप करना है जिस तरीके से मैंने फ़ोटो को अपलोड किया था दोस्तों। क्रॉप के द्वारा आपको मैं दिखा देता हूँ, ये सिग्नेचर मैंने ऐसे क्रॉप किया दोस्तों। यहाँ पर अपलोड पे टिक करेंगे, देखती है दोस्तों होगा या नहीं। सिग्नेचर भी हमारा अपलोड हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा। उसी पिक्स आर्ट के द्वारा दोस्तों सिग्नेचर को भी रिसाइज करना है। और दोस्तों अब यहाँ पर मांगा हुआ है उम्मीदवार के बाएं अंगूठे का निशान, वो भी दोस्तों मैंने यहाँ से ले लिया था। उसको भी पिक्स आर्ट के द्वारा दोस्तों क्रॉप करना है। आपको क्रॉप करके भी दिखा देता हूँ। ये पिक्स आर्ट आने के बाद दोस्तों पिक्स आर्ट में ये अंगूठा का निशान यहाँ पर टिक करना है। इसको क्रॉप कर लेते हैं पहले। उसी तरीके से साइन को सभी कुछ इसी तरीके से करना है दोस्तों। तो थोड़ा पेन से दोस्तों अपने अंगूठे को, पेन अंगूठे पर पेन चलाना है दोस्तों। उसी तरीके से आपको कोई कागज़ है दोस्तों उस पे लगाना है, उस तरीके से ये साइन आ जाएगा, वो चल जाएगा दोस्तों। कोई तरीका नहीं, आपके पास पैड है तो उसी तरीके से भी कर सकते हो आप। और इसको रिसाइज में देखते हैं कितने का, ठीक है दोस्तों आ जाएगा ये। फिर इसको सेव कर लेते हैं गैलरी में, नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। नाम भरने के बाद दोस्तों गैलरी में सेव कर लेते हैं, फिर अपलोड करके देखते हैं होगा या नहीं। यहाँ पर टिक करते हैं, दोबारा से फाइल में जाते हैं और यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर अपलोड पे टिक करते हैं। देखते हैं दोस्तों हुआ या नहीं। हो गया दोस्तों, सिग्नेचर भी यहाँ पर आपका अपलोड हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको। होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, वो भी PDF में। PDF में आपको कैसे अपलोड करनी है वो भी आपको बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपको 10वीं मार्कशीट का एक फ़ोटो निकालना है। फ़ोटो निकालने के बाद दोस्तों आपको पिक्स आर्ट में जाना है, उसको क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद एक बार रिसाइज भी देख लेना दोस्तों कितना बनेगा। ज़्यादा बनता है तो उसको कम कर लेना है, ठीक ठीक करना है दोस्तों। ठीक करने के बाद सेव गैलरी में करना है। गैलरी में सेव करने के बाद दोस्तों आपको एक और ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा दोस्तों। इस ऐप के ज़रिए दोस्तों आप किसी भी फ़ोटो को PDF में अपलोड कर पाओगे। आपको करके दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ से कोई भी फ़ोटो लेनी है दोस्तों, आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। यहाँ से टिक करना है, 10वीं की ले लेता हूँ मैं, ये रही 10वीं की दोस्तों। यहाँ पर आपको टिक करना है, टिक कर लिया दोस्तों मैंने यहाँ पर। यहाँ पर करने के बाद दोस्तों डन पे टिक करना है। टिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, और आपको सीधा यहाँ पर टिक करना है किस में चाहिए, आप इसी में चाहिए दोस्तों। और कुछ आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। PDF में देख लेते हैं होगी या नहीं। हो चुकी है हमारी PDF में। होने के बाद दोस्तों +2 की भी अपलोड कर लेते हैं, वैसे ही उसी तरीके से। यहाँ से इस निशान को मिटाना है, फिर +2 की उसी तरीके से PDF में अपलोड कर लेते हैं। डन पे टिक करना है और यहाँ पर टिक करना है। उसी तरीके से ये हो गई दोस्तों, PDF में हो चुकी है। अब हमको सीधा दोस्तों
जहाँ पर फॉर्म भर रहे थे वहाँ पर जाना है दोस्त। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर टिक करना है चॉइस पे, फाइल्स पे। फाइल्स में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर तो दिखाई देगा नहीं, आपको यहाँ पर टिक करना है। फाइल्स में जाएंगे दोस्तों, नीचे फाइल्स का ऑप्शन आएगा, फाइल्स मैनेजर में यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर टिक करना है दोस्तों। फिर यहाँ पर पीडीएफ का ऑप्शन आएगा दोस्तों, ऐसा आपको मैं दोबारा से दिखाता हूँ। ये रहा पीडीएफ का, यहाँ पर ऑप्शन आएगा और ये है दोस्तों, ये यहाँ पर मैं लिखना भूल गया दोस्तों, यहाँ पर ये लिखना था पिक्स आर 10th क्लास। आप एक बार देख लेना दोस्तों वही है क्या गलत। 10वीं की जगह 12th को मत अपलोड कर देना। मैं यहाँ पर टिक कर लेता हूँ, एक बार चेक भी कर लेना, मेरे को तो दिख गई थी दोस्तों इसलिए मेरे को पता है। यहाँ पर टिक करने के बाद ओके टिक कर लेना, आपको दिखा देता हूँ। ये अपलोड अपलोड पे टिक करना है, कोई भी दिक्कत आए दोस्तों कमेंट करना ना भूलें, सबसे पहले आपका आंसर दूंगा दोस्तों। कोई भी दिक्कत आए कमेंट करना ना भूलें। देखते हैं दोस्तों अपलोड हुई या नहीं, अपलोड हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर ये आ गया, फाइल अपलोड की गई है देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। देख लेते हैं दोस्तों सही से अपलोड हुई है या नहीं, डाउनलोड हो जाएगी दोस्तों। देख देख लो दोस्तों ये 10वीं की अपलोड हो चुकी है, आपको भी उसी तरीके से देखना है दोस्तों, कोई भी गलत अपलोड मत करना दोस्तों। उसी तरीके से दोस्तों 12th की भी अपलोड कर देते हैं। नीचे फाइल्स में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और पीडीएफ में जाएंगे दोस्तों। गलत पीडीएफ में जाने के बाद दोस्तों 12th की अपलोड कर लेते हैं, ओके पे टिक कर लेते हैं और यहाँ पर अपलोड पर टिक कर देते हैं। बारीकी से समझा रहा हूँ दोस्तों, आप दुकान से मत भरवाना दोस्तों, वहाँ से आपसे 50 या 100 रुपये एक्स्ट्रा लेता है। आसानी से आप अपने फ़ोन के द्वारा भर सकते हैं। सभी को देख लेना दोस्तों, सभी मैंने अपलोड कर दी है, 12th की भी आ चुकी है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। करने के बाद दोस्तों कंटिन्यू पर टिक करना है, कंटिन्यू पर टिक कर देते हैं हम। टिक करने के बाद दोस्तों अपना फार्म यहाँ से आप देख सकते हैं, फिर पेमेंट करनी है आपको। सभी जानकारी देखने के बाद एग्री पर टिक करना है, नीचे जाते हैं। और दोस्तों कोई भी गलती हुई तो आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं, कोई और गलती नहीं हुई तो कंटिन्यू पेमेंट पर टिक कर देते हैं। आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर टिक करना है। और दोस्तों इसलिए यहाँ पर मैं लड़की का फॉर्म भर रहा हूँ, लड़की का फॉर्म भरते हैं दोस्तों, यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगती, इसलिए यहाँ पर मेरी तो कोई फ़ीस नहीं लगेगी। आप लड़के का फॉर्म फीस कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा कि आपको फ़ीस कैसे पेमेंट करनी है, नेट बैंकिंग बैंकिंग के द्वारा वहाँ से आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पर एग्री कर देता हूँ, यहाँ पर फ़ीस भी दिखा देगा दोस्तों आपकी कितनी फ़ीस लगेगी। यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों नो फीस, मेरी कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। लड़का पेमेंट कर रहा है तो दोस्तों उसके 100 रुपये लगेंगे। करने के बाद दोस्तों यहाँ पर टिक करना है, बारीकी से दोस्तों आपको मैंने बताया है आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। अब जल्दी से अप्लाई हो जाएगा दोस्तों आपका। कंप्लीट फॉर्म फिल हो चुका है दोस्तों, और दोस्तों मेल होते तो आपको कंप्लीट अपनी पेमेंट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता। नीचे जाने के बाद दोस्तों आपको एक मैसेज भी आ जाएगा कि दोस्तों आपकी आपका फॉर्म कंप्लीट फिलअप हो चुका है और आपकी पेमेंट भी सबमिट हो चुकी है। सबमिट होने के बाद दोस्तों आपको ये ऑप्शन दिखाएगा कि आपको आप ये प्रिंट कर लेना, प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, हम इसे प्रिंट कर लेते हैं। सेव करने के बाद दोस्तों आपका कंप्लीट फॉर्म फिल हो चुका है। और दोस्तों आपको यही जानकारी देनी थी कि आप अपने फ़ोन के द्वारा अपने आसानी से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल का। आपको कोई भी दिक्कत आए दोस्तों आप कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों आपको यही जानकारी देनी थी, और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, और आप इस चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके
घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर टिक करना ना भूलें। आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज का आपका दिन शुभ रहे। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।